सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला है कि हम कई बारी हमारे फोटोज़ ना कोई रैंडम खींच लेता है एंड गाइस रैंडम खींचने के चक्कर में वो हमारे फोटोज़ पर फोकस नहीं कर पाता है और हमारा फोटोज़ जो है वो थोड़ा सा ब्लर में या फिर थोड़ी सी उसकी ब्लर क्वालिटी बन जाती है। बट गाइस फोटो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है तो हम चाहते हैं यार फोटो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर इसकी क्वालिटी को अच्छा कर दिया जाए या इसका जो ब्लर इफेक्ट इस पर आ चुका है वो कैसे हटा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला है कि आप अपने ब्लर फोटोज़ को या आपके जो अच्छे फोटोज़ हैं ओल्ड फोटोज़ हैं जो कि पहले अच्छे फ़ोन्स नहीं थे अच्छे कैमराज नहीं थे तो फोटो भी इतने क्लियरिटी के साथ नहीं आते थे। तो गाइस अगर आपका कोई ऐसा फेवरेट फ़ोटो है जिसको आप आज की डेट के हिसाब से एक हाई पिक्सल एंड हाई क्वालिटी एंड गुड शार्पनेस के साथ फोटोज़ को चाहते हैं उसको उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सिंपली गाइस यहां पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी रिमेनी, आप उसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने यहां पर रिमेनी वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं एंड ओपन करने के बाद गाइस ये एक फ्री एप्लीकेशन है, अगर आप इसका प्रीमियम ले लेते हैं तो आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम करने वाले हैं फ्री यूज़ तो हमें ऐड तो देखने को मिलने ही वाला है। तो सिंपली जो भी इसके ऊपर पॉपअप विंडो आएगी सभी को आपको यहाँ पे कट कर देना है एंड कट करने के बाद सिंपली आपकी गैलरीज के सभी फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली जिस भी फ़ोटो को आपको यहाँ पर आपको चूज़ करना है या क्लियर करना है सिंपली आप उसको क्लिक कर लेना। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिया तो एक पॉपअप विंडो फिर से आ गया, उसको भी मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ एंड जो मैंने फ़ोटो यहाँ पर अभी आपके सामने लिया है आप देख सकते हैं उस फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ब्लर है एंड बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन ये अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस फोटोज़ की क्वालिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगा। तो गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनहेंस एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा छोटा सा वॉच एंड ऐड, मतलब आपको अगर फ्री में करना है तो आपको इसका एक ऐड देखना पड़ेगा एंड आप प्रीमियम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली हम करते हैं इनहेंस वाले पे क्लिक एंड क्लिक करते ही हमें देखने को मिलेगा एक ऐड। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारा ऐड एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐड देखना बिल्कुल भी है और पूरा ही देखना पड़ेगा, अगर हम ऐड नहीं देखते हैं तो गाइस हमारा काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐड खत्म होने के बाद। सो गाइस यहाँ पर मेरा ऐड कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, अब मैं इसको सिंपली कट कर सकता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर इसके क्रॉस वाले जो आइकन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं एंड हमारा ऐड क्या यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ऐड कट हो चुका है एंड हमारा फ़ोटोज़ की क्वालिटी कुछ इस तरह से थी, इस तरह से ब्लर फोटोज़ था एंड इसको इनहेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक लाइन होती है वाइट कलर की, उसको पकड़ करके आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल कर देना है एंड आपकी क्वालिटी बन जाती है फ़ोटो की एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम हाई क्वालिटी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनहेंस इसने इस फोटो को कर दिया है, वो भी एक क्लिक के अंदर, बस आपको फ्री में यूज़ करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक इसका जो ऐड है वो देखना ही पड़ेगा। सिंपली गाइस अब यहाँ पर आपको इसको अपनी गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक डाउनलोड आइकन दिखेगा, सिंपली आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपली फिर से आपको देखने को मिलेगा सेव ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा एंड उसके नीचे फिर से लिखा हुआ दिखेगा वॉच एंड ऐड। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ऐड देखना पड़ेगा एंड उस ऐड को देखने के बाद ये फ़ोटोज़ मेरी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ पर ऐड नहीं देखने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको ट्यूटोरियल बता दिया है एंड गाइज आप इस तरह से अपने किसी भी ओल्ड फोटोज़ का या आपके किसी भी फोटोज़ में थोड़ा सा भी ब्लर इफेक्ट आ गया है तो आप इस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड गाइज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।